हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है, लोको पायलट की वैकेंसीज आ चुकी है। जी हां दोस्तों, यूपीएल की तरफ से असिस्टेंट लोको ड्राइवर की वैकेंसीज निकल चुकी है, जिसे कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बिल्कुल, ये लोको पायलट की वैकेंसी है गाइस, आईटीआई पास वाले ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और कौन कौन से ट्रेड इसमें अप्लाई कर पाएंगे, चलिए मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यूपीएल ये वैकेंसीज निकालती है एक्चुअली, और ये वैकेंसी किस टाइप की है, लोको ड्राइवर यानी कि आपका सपना है लोको पायलट बनने का, ट्रेन चलाने का, तो ये यूपीएल आपको बेझिझक पूरा करेगी। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज चर्चा करने वाले कि कैसे इसमें अप्लाई करने की एज लिमिट वगैरह, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, और क्या इसका जो जॉब की प्रोसेस क्या होती है, क्यों अप्लाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, देन आपकी सिक्योरिटी रीजन यानी कि ए टू जेड आपकी जितने भी मन में डाउट है ना, वो आपको मैं क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी चीजें ये जो है वो समझ आने वाली है। ओके, तो चलिए लेट स्टार्ट नाउ। इससे पहले मैं बता दूं, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें सक्सेस दिलीप को, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको बराबर मिलती रहे। ये गाइस, ये जो यूपीएल है, यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड, एक कंपनी है, एनटीपीसी और रिलायंस का ज्वाइंट वेंचर है। एक यानी कि एनटीपीसी जो आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये दोनों की ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, और ये दोनों मिला के ट्रेन चलाती है, यानी कि खुद की ट्रेन चलवाती है, अलग अलग सिटीज़ में प्राइवेट ट्रेन चलती है। तो वहाँ पर यूपीएल की यहाँ पर ड्राइवर यानी जो लोको पायलट की वैकेंसीज होती है, तो ये हर साल रिलीज़ करती है अलग अलग डिवीजन से जहाँ पर इसकी ट्रेन चलती है। और मैं बात करूँ यूपीएल की, बहुत सारी ट्रेन अभी जैसे कि रेलवे प्राइवेट कॉर्पोरेटाइजेशन होने जा रहा है, तो बहुत सारी ट्रेन है यूपीएल की इंडियाज में अलग अलग सिटीज़ में चल रही है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज इसमें अब रिलीज होने वाली है, और बहुत ही ज्यादा वैकेंसीज इसमें पोस्ट अब है रिलीज कर दी जाएगी एलपी की, यानी कि खास करके असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती को। तो एक तरह से अच्छा ही वैकेंसीज है, लेकिन प्रोसेस इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो कि हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है लोको पायलट की, जो वैकेंसीज रिलीज की गई है रिलायंस इंडिया एंड एनटीपीसी से लेकर यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड, देख सकते हैं ये जॉइंट वेंचर एनटीपीसी और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये जो वैकेंसीज निकाली गई है बोंगिया गांव से निकाली गई है, आपका बोंगिया गांव स्थित है असम में, और यहीं पर इसकी जो प्रोजेक्ट चल रही है एनटीपीसी की, तो यहाँ से वैकेंसीज रिलीज की गई आपकी लोको पायलट की प्रोजेक्ट, यानी कि वहाँ पे ट्रेन चल रही है यूपीएल की, तो उसमें लोको पायलट की कमी है, जिसके लिए वैकेंसीज रिलीज की गई है। असिस्टेंट लोको ड्राइवर ट्रेनी की रिक्रूटमेंट है, लेकिन ये जो पोस्टें होती है एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ये पोस्टें निकाली जाती है तो टोटली लोको पायलट की भर्ती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल भी नहीं, पूरे पाँच साल की कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी कि एक जॉब मिल रही है, नौकरी आपको, वो भी पाँच साल की, जो कि कम नहीं है गाइस। और यही अपॉर्चुनिटी, इसके बाद क्या बेनिफिट्स मिलेगा, कि क्या उसके बाद निकाल दिया जाता है कि नहीं निकाल दिया जाता है, वो मैं बाद में बता रहा हूँ। सबसे पहले वैकेंसीज देख लेते हैं, असिस्टेंट लोको ड्राइवर ट्रेनिंग की वैकेंसी है। अप्लाई करने के पास आपकी जो उम्र सीमा है, एज लिमिट है 18 साल से लेकर 35 साल के कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपकी एज 1 मई 2022 को काउंट की जाएगी। अप्लाई करने के लिए आपके पास पहली बात की 10th पास होनी चाहिए, याद रखना 10th पास आपने किसी भी गवर्नमेंट एफिलेटेड से, किसी भी स्टेट से आपने पास आउट किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में टेक्निकल क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, आईटीआई पास आउट होनी चाहिए। अब आईटीआई में कौन सा ट्रेड होना चाहिए, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, डीजल मैकेनिक ट्रेड, तो ये तीन ट्रेड को यहां पर मौका मिलता है, फिटर, इलेक्ट्रिशियन और डीजल मैकेनिक वालों के लिए। अब बात करोगे सर ये फिटर, इलेक्ट्रिशियन, ये तीनों ट्रेड को ही मौका क्यों मिलता है, तो देखिएगा इस फिटर और इलेक्ट्रिशियन का तो कहीं भी वैकेंसीज निकले दो कंफर्म है। डीजल मैकेनिक इसलिए होती है क्योंकि इनकी डीजल ट्रेन भी चलती है, तो डीजल मैकेनिक वालों के लिए यहाँ पर रख लिया जाता है एज अ एलपी के रूप में। अब यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकते हैं, एनसीबीटी, एससीबीटी, कहीं से भी आपने आईटीआई पास आउट किया है आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कहीं से भी किया हो, याद रखना इससे कोई भी मैटर नहीं करता आप कहाँ किए हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी से पास आउट है, गवर्नमेंट आईटीआई या फिर प्राइवेट आईटीआई, सभी आईटीआई वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ट्रेड, तीन ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब रिस्ट्रिक्शंस क्या है, अब चलिए देखते हैं। देखिए गाइस, ये जो वैकेंसी है ये टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट वाइज चलती है, जो कि बीटीएड का नाम से जाना जाता है असम में, यहीं पर आपकी टोटली जॉब पोस्टिंग में होने वाली है, देन आपको रिटर्न एग्जाम्स के लिए यहीं पर ही जाना होगा, असम जाना होगा रिटर्न एग्जाम्स के लिए, इस डिस्ट्रिक्ट में यहीं पर रिटर्न एग्जाम्स होगी, आप क्वालिफाई करते हैं, इसके रिजल्ट आती है तो आपको यहाँ पर लोको पायलट की जॉब लगेगी आफ्टर मेडिकल
टेस्ट के बाद, यानी कि इसमें रिटर्न एग्जाम के जरिए आपका सिलेक्शन होगा। रिटर्न एग्जाम्स हार्ड नहीं होता है और ना ही ईजी होता है, मॉडरेट लेवल होता है। और जिन्हें पढ़ाई की है, अगर इन्होंने किसी ने भी रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी की है, वो निश्चित मान लो गाइस वो एग्जाम्स निकाल लेगा। रेलवे की किसी भी थोड़ा सा टेक्निकल से क्वेश्चन पूछे जाएगा, तो रेलवे से किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन किए, लाइक एलपी टेक्नीशियन की या फिर एनटीपीसी की भी पढ़ाई की हो, आराम से आपके लिए टफ नहीं होने वाला है। इसकी जो फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म आपका 30 मई 2022 से स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि कल से ही, और 19 जून 2022 तक इसका जो फॉर्म है आप फिल कर सकते हैं। अब जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, देखिए गाइस जितने भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे, मैटर नहीं करता, उसमें से 2000 कैंडिडेट को 10th के परसेंटेज वाइज यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। ध्यान रखना मेरी बातों को, जरा गौर से सुनना। यहाँ पर 2000 कैंडिडेट जितने भी फॉर्म अप्लाई करेंगे, अप्रोक्स 2000 कैंडिडेट को, रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट होंगे उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑर्डर ऑफ मेरिट, मेरिट बनेगी 10th के परसेंटेज वाइज, उसका एडमिट कार्ड जारी होगा रिटर्न एग्जाम्स के लिए। यानी कि 2000 कैंडिडेट को ये जो है एग्जाम में लेने वाली है, 2000 कैंडिडेट की वैकेंसीज कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेगा, उसमें कुछ ही वैकेंसीज को यहाँ पर एग्जाम में लेगी, यानी कि 2000 को ले रहा है आराम से, ये 9000+ स्टूडेंट को आराम से ये शॉर्टलिस्टेड कर लेगा, तो ये अच्छी बात हो जाती है आप सबके लिए। तो इसमें अप्लाई करो, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये कॉन्ट्रैक्ट है, मैं बता चुका हूँ, 5 साल की कॉन्ट्रैक्ट है। कैसे कॉन्ट्रैक्ट और सैलरी कितनी मिलेगी, ये चीज़ें जरा हम देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप की मल्टीपल टाइप जो क्वेश्चन है आपको पूछी जाएगी। अब रही क्वेश्चन, सेलेक्टेड जो भी स्टूडेंट होंगे, सबसे पहले 90 डेज का जो है असिस्टेंट लोको ड्राइवर की उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, वो भी रेलवे में, इंडियन रेलवे में, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रेलवे चलाती है उसमें आपको ट्रेनिंग मिलेगी। लोको ड्राइवर जो एलपी होता है ना, असिस्टेंट लोको पायलट, वो आपको ट्रेन करेंगे लोको ड्राइवर ट्रेनिंग के लिए। कितने दिन की होगी, 90 दिन की। उसके बाद जब आपकी कंप्लीट ट्रेनिंग हो जाएगी, देन आपको यहाँ पे लोको ड्राइवर की जॉब मिल जाएगी। कहाँ पर, UPL में। जब आपकी ट्रेनिंग चलेगी 90 दिन का, यानी कि 3 महीने की, तो उसमें आपको पर मंथ स्टाफन भी मिलेगी, 7000 रुपये की स्टाफन यहाँ पर दी जाएगी हर एक कैंडिडेट को। देन आप सेलेक्टेड हो जाओगे तो UPL की तरफ से आपको जितनी भी सैलरी अवार्ड की जाएगी उतनी सैलरी आपको मिलेगी। बात करें UPL सैलरी कितनी देती है, तो UPL सैलरी 18000+ सैलरी आपको देती है, डिस्क्लोज नहीं है, 18000 से ज़्यादा सैलरी आपको यहाँ पर मिलती है UPL में। 23000-25000 कैंडिडेट भी उठाते हैं, और ये हर साल जो है आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। मेन मुद्दा होता है यहाँ पर गाइस, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने वाले हैं, ये चीज़ें ध्यान रखना कि 6,60,000 रुपये का है जो आपका बॉन्ड बनने वाला है, जो कि 5 ईयर के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर बच्चे अटक जाते हैं कि 6,60,000 का बॉन्ड बना, यानी कि अगर आप कंपनी छोड़ के जाओगे तो 6,60,000 रुपये आपका देनी होगी बीच में, अदरवाइज कंपनी आपको हटा देती है, तो कंपनी देगी आपको, तो कंपनी तो हटाएगी नहीं। अगर आप छोड़ के जाते हैं तभी ये पैसे आपको देने होंगे, नहीं तो आराम से जॉब करो। अब यहाँ पे कोई होता है, कोई NTPC की तैयारी, NTPC की तैयारी करता है, कोई लोको पायलट का गवर्नमेंट वाला तैयारी करता है, तो उसमें अगर बीच में निकल जाती है, आप भागना चाहोगे तो इतना रुपये आपको देनी होगी। तो ये सब चीज़ें सोच कर ही अप्लाई करना, ओके। बाकी बात सारी चीज़ें नॉर्मल लिखी गई है, कहाँ कहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, ये चीज़ें। फॉर्म की मैं बात करूँ तो फॉर्म आपका 19 दिन तक भर सकते हैं, बिना कोई एप्लीकेशन फ़ी, बिल्कुल फ्री है। अब जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है, फटाक से लिंक पे क्लिक कर और जाकर अप्लाई करो। इससे रिलेटेड कुछ भी अदर क्वायरी हो, आप बेझिझक कमेंट करें, आपकी टोटली हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी गाइस, ओके। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।